आठ बंद का ऐलान किया हो उसमें क्या शांतिपूर्ण रहेगा? शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, वो बंद ही रहेगा उसमें तो। जब बंद रहेगा तो शांति रहेगा, जब कोई चले नहीं। और किसान से भी ये है कि भाई किसान भी ना जाएं उस दिन अपने खेत में, इसमें जाएगा, ट्रैक्टर भी उस टाइम पर बंद रहेगा। ये कराए सब लोग से होकर हम ट्रांसपोर्टर से भी बात करेंगे, जो ट्रक वाले हैं या और लोग हैं उनसे भी हम बंद करेंगे और दुकानदारों से भी बंद करेंगे कि उसमें भाई दे। और एक किस्म से ये जो किसान और मजदूर कर्फ्यू है, ये दुकानदार का कर्फ्यू है, इसमें सब लोग साथ दें, ये अपील हम सबसे करेंगे। हमारा वो उस तरह का नहीं, जब बंद रहेगा तो हम सबसे सहयोग की अपील करेंगे। अभी सरकार है नहीं यहाँ पे, सरकार मिल नहीं रही कहीं से, कहाँ है सरकार, जब आ जाएगी तो बात करेंगे उनसे। वहाँ पे जाएंगे, वेस्ट बंगाल 12, 13, 14 का है तो 13 तारीख वहाँ पर रहेंगे, 2 मीटिंग करेंगे, नंदीगांव और कलकत्ता में है 2 पंचायत वहाँ पर रहेगी। और हम किसानों से बात करेंगे वहाँ के कि क्या उनको MSP मिल रहा है, क्या उसका लाभ कभी इनको मिला है, तो इन सारी चीज़ों पर वहाँ पर चर्चा होगी। और कहाँ कहाँ जाने का? अभी तो पूरा कर्नाटक में है और उड़ीसा में है प्रोग्राम, अभी बुंदेलखंड में रहेगा, उत्तराखंड में है, हरियाणा की मीटिंग है, राजस्थान में है, तो ये सारी जगह अभी 4-5 स्टेट में हम अभी कवर कर रहे हैं। और कुछ तो ये है कि आंदोलन चल रहा है, MSP का बड़ा सवाल है, MSP मिल जाएगा तो बिहार के किसानों को लाभ मिलेगा, बंगाल के किसानों को लाभ मिलेगा, आसाम के किसानों को लाभ मिलेगा। ये आंदोलन किसानों का है, मजदूरों का है, दुकानदारों का है। जो वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही है तो मॉल जाएगी, वो बड़े बड़े अपने हाउसेस खोल लेंगी, तो जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो हमारी ख़त्म होगी, जो हमारा साप्ताहिक बाजार लगते थे वो ख़त्म होंगे हमारे। तो अगला टारगेट साप्ताहिक बाजार पे है, 4.5 करोड़ लोग साप्ताहिक बाजार में काम करते हैं, वो सब ख़त्म होंगे। जो छोटे छोटे दुकान है, जो नुक्कड़ पर दुकान जिसने कर रखी, वो ख़त्म होंगी। तो ये सब लोग से, आम जनता का ये आंदोलन है, इसमें सब लोग सहयोग दें। जिस तरह से गैस के सिलेंडर, डीजल ये बढ़े हैं रेट, और कर्मचारियों की पेंशन खत्म हो रही है, और MPML की पेंशन चल रही है ऐसी की ऐसी, तो भाई जो कानून बना रहे हैं, अगर वे अपने लिए कानून दूसरे बनाएंगे और कर्मचारियों के लिए दूसरे बनाएंगे तो ये तो देश में अब चलने वाला नहीं है। या तो पेंशन सबकी खत्म होगी या पेंशन उनको भी मिलेगी।